सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जो कि आप जानते हैं कि जेई के लिए लिखी गई है। इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1 की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। हमने क्या कहा, इंटीग्रल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंटीग्रेबल फंक्शन को करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हमको करना है। यहाँ पर हम देखें डिनोमिनेटर कोई फॉर्मूला होता नहीं, डिनोमिनेटर में केवल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अगर वन अपान एक्स का इंटीग्रल हो तो वन अपान एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग एक्स टू बेस ई होता है। बस इस केस में ये हम कर सकते हैं और हमको नहीं मालूम, तब क्या करें। तो भाई ये तो हटा, क्या हट सकता है, ये हट सकता है। आप जानते हैं सेक और टेन की एक आइडेंटिटी होती है कि भाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और टेन को उधर ले जाओ माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। यानी अगर डिनोमिनेटर में हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ले आवें तो उसे वन लिखा जा सकता है। तो ले आओ, कैसे ले आवे भाई, अपने घर की खेती तो है नहीं। तो आप कहेंगे भाई देखो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो राइटिंग थोड़ा गंदी हमारी है, sec x plus tan x है। तो आप कहेंगे देखो अगर मैं यहाँ पर sec x minus tan x कर देता हूँ, a plus b है और a minus b कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो ऊपर भी कर दो sec x minus tan x। देखो ऊपर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा sec x इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स अपान, और नीचे आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो डिनोमिनेटर का काम तो खत्म हो गया, जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है वो काम खत्म हो गया, यानी ये तो वन हो गया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको वन बना देंगे, इसका काम खत्म। तो ये हमारा स्टेप हो गया। अब क्या, इसको दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा सा अगले स्टेप भी लिखेंगे आप। ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे क्या इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रल हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन sec x इंटू टेन एक्स का हमको मालूम है, टेन स्क्वायर का नहीं मालूम। तो क्या टेन स्क्वायर का कोई ऐसा रिश्तेदार है जो इंटीग्रेबल होता है। तो आप कहेंगे ये है आपका टेन स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, लिख दो। तो ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स माइनस, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब बताओ सबकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो जैसा कि नियम है इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, कर देते हैं अलग अलग इंटीग्रेट। तो देखिए जब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल होगा sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स अलग होगा, माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग होगा और प्लस वन डी एक्स अलग होगा, ये अलग है। तो sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, नहीं मालूम। तो कोई ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जिसको डिफरेंशिएट किया होगा आपने sec x इंटू टेन एक्स आया हो। तो आप कहेंगे sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है, तो इसका मतलब sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, है। माइनस sec स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर होगा। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। नमस्कार।